पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहाँ जाते ही बिल्कुल दूध के धूले हो जाएंगे। अंत भला तो सब भला। बीजेपी 6 फेज की वोटिंग के बाद पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। वहीं 7वें और आखिरी चरण में भी बीजेपी जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसके चलते इस वक्त कई सवाल चुनावी फिजाओं में घूम रहे हैं। मसलन, क्या बीजेपी के लिए पूर्वांचल का चुनाव चुनौती बन गया है? क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में विपक्ष फंसा हुआ नजर आ रहा है? क्या इंडी अलायंस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो पूर्वांचल की 13 सीटों पर जीत पाने के लिए बीजेपी जहां चुनाव के आखिरी लम्हों में भी जोड़ तोड़ में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है। 13 सीटों पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इन सीटों पर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बलिया लोकसभा सीट की। बलिया में बीजेपी ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतारा है। नीरज अभी राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जो राज्यसभा सांसद रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सनातन पांडे को मौका दिया है, वहीं बीएसपी ने लल्लन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसको समझिए जातीय समीकरणों से। तो जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर 3 लाख से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। इसके बाद 2.5 लाख यादव हैं, 2.5 लाख राजपूत हैं और 2.5 लाख दलित वोटर हैं। अब मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर देखी जाए तो वो है 1 लाख। सपा ने ब्राह्मण वोटरों को लामबंद करने के लिए ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के नीरज शेखर क्षत्रिय जात से आते हैं, साथ ही बीएसपी ने भी क्षत्रिय उम्मीदवार दिया है। तो 3 तरफा मुकाबले में बलिया में बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब बीजेपी ने सपा को जोर का झटका दे दिया है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बलिया में सपा का खेल खराब कर दिया है। दरअसल सपा के कद्दावर नेता नारद राय ने सपा का दामन छोड़ बीजेपी का रुख किया है। नारद राय 40 साल से सपा में थे और 2 बार बलिया नगर सीट से विधायक रह चुके हैं, साथ ही अखिलेश यादव की सरकार में खेल मंत्री भी रहे। नारद ने वाराणसी में अमित शाह से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें खुद नारद ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की हैं। नारद के सपा छोड़ने पर सनातन पांडे का बयान सामने आया है। सनातन पांडे ने कहा है कि ये लोग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। ये लोग मन पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जितने भी देश के जो हैं 2 नंबर के कारोबारी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहाँ जाते ही बिल्कुल दूध के धूले हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि नारद राय ने क्यों सपा से 40 साल पुराना अपना रिश्ता पल भर में तोड़ लिया। 27 मई को बलिया में सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में हुई रैली के दौरान अखिलेश यादव ने मंच से सभी नेताओं का नाम लिया, लेकिन नारद राय का नाम नहीं लिया। नारद अखिलेश यादव की अनदेखी से नाराज हो गए और इसके बाद उन्होंने सपा छोड़ने का मन बना लिया और फिर बनारस के एक 5 सितारा होटल में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर भी नारद राय के साथ रहे। वहीं सपा प्रत्याशी ने नारद राय की अनदेखी के सवाल पर यह कहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसके बाद भी उनको मंच पर जगह दी गई और बोलने का मौका भी दिया गया। वो बीमार थे, उसके बाद ही मंच पर गए, उनको सबसे अगली कुर्सी दी गई, उनसे बुलवाया भी गया, भाषण भी दिए और राष्ट्रध्वज ने स्वयं बुलाकर उनका हाल चाल भी लिया, उनकी तबीयत का भी हाल पूछा। भले ही सपा के नेता कह रहे हो कि नारद का पार्टी में किसी ने अपमान नहीं किया, लेकिन नारद ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक कर लड़ता हूं और विरोध भी करता हूं तो ताल ठोक कर करता हूं। मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक के लड़ता हूं और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं और विरोध भी करूंगा तो ताल ठोक। आपको बता दें कि नारद राय भूमिहार समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं और भूमिहार समाज का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जिसमें बलिया है, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ,
वाराणसी, जौनपुर, देवरिया समेत कई सीटें ऐसी हैं जो इसमें शामिल हैं। अब ऐसे में नारद राय के बीजेपी में जाने से बलिया के साथ साथ पूर्वांचल की बाकी 12 सीटों पर भी बीजेपी मजबूत होगी। अब बात करते हैं घोसी सीट की, तो इस सीट पर कुछ हालात बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद पहुंचा सकते हैं। कैसे? दरअसल घोसी से मौजूदा सांसद अतुल राय को कुछ ही महीने पहले ही जमानत मिली थी और माना जा रहा था कि उनके जेल से बाहर आने पर बीएसपी को फायदा मिलेगा, लेकिन वोटिंग के 3 दिन पहले अतुल राय ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में घोसी सांसद अतुल राय 27 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए, साथ में उनके जमानतदार भी थे, जिन्होंने कोर्ट में अपील कर यह कहा कि वो निजी काम से कुछ सालों के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसे में वो अतुल राय की जमानत से मुक्त होना चाहते हैं। वहीं अतुल राय ने कोर्ट से जो अपील की वो तो और चौंकाने वाली। दरअसल अतुल ने कोर्ट में कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको जान का खतरा है, इसलिए उनकी जमानत खारिज कर उन्हें वापस जेल भेज दिया जाए। जमानत देने वाले और सांसद की अपील को मानते हुए कोर्ट ने अतुल को जेल भेजने का आदेश दिया है। अतुल राय लोकसभा चुनाव के बीच अपनी इच्छा से जेल चले गए। आपने शायद ही ऐसा सुना होगा कि किसी नेता को जमानत मिली हो और वो खुद कोर्ट से कहे कि वापस जेल जाना चाहता है। आपको बता दें कि अतुल राय की गिनती कभी मुख्तार अंसारी के करीबियों में हुआ करती थी। वक्त बदला, हालात बदले तो मुख्तार से करीबी दुश्मनी में तब्दील हो गई। नैनी जेल में सजा काट रहे सांसद राय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने मुख्तार को पंजाब से यूपी की नैनी जेल की बजाय बांदा जेल में शिफ्ट किया था। इस बार बीजेपी ने यह सीट सुभासभा के लिए छोड़ी है, जहां से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा ने राजीव राय को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को मौका दिया है। मऊ और घोसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के परिवार का असर माना जाता है। मऊ से मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी सुभासपा के सिंबल पर विधायक है, लेकिन उनका परिवार अब सपा के साथ है। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव खुद मुख्तार के घर तक गए थे, इसलिए सपा इसे मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के अवसर के तौर पर देख रही है। बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाकर पिछड़े वोटों में बंटवारे का दाव चला है, जिसकी वजह से अरविंद राजभर के लिए मुश्किल बढ़ गई थी। अब बीएसपी के सांसद अतुल राय के जेल जाने से बीएसपी को सवर्ण वोटों का नुकसान हो सकता है, ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार अरविंद राजभर को इसका फायदा मिल सकता है। बहरहाल पूर्वांचल की राजनीति में जातियों का साधना ही सब कुछ है, लिहाजा बीजेपी आखिरी चरण के चुनाव में चौकन्नी है और जीत के लिए जातियों को अपने साथ जोड़ने में जुटी हुई है। अब ऐसे में किसे नफा होगा और किसको नुकसान, ये भी 4 जून को पता ही चल जाएगा। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।